सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। ये इलेक्शन हमको बहुत ही आसान पड़ेगा अगर गांधी परिवार आ जाता है तो। देखिए काम ऐसा किया है कि अभी तक कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की दो हाई प्रोफाइल सीट अमेठी और रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ रही है, जिस पर सुबह से कहा जा रहा था आज सस्पेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ और अब खबर सामने आ रही है कि इसके लिए शाम तक का इंतजार करना होगा। लेकिन अब सूत्रों से खबर ये भी है कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और प्रियंका गांधी के चुनाव नहीं लड़ने की संभावना जताई जा रही है। और अगर ऐसा हुआ तो सवाल है कि क्या फिर अमेठी से इस बार कांग्रेस किसी नए चेहरे और गांधी परिवार से अलग चेहरे पर दाम लगाएगी? क्या आज दोनों सीटों पर सस्पेंस खत्म हो जाएगा? ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अमेठी और रायबरेली में नामांकन के लिए महज एक दिन बचा है। हालांकि दावा है कि आज शाम तक कांग्रेस दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस के मन की दुविधा अभी शांत नहीं हुई है। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस में मंथन चल रहा है, लेकिन कांग्रेस नेता केएल शर्मा रायबरेली में बिना उम्मीदवार तय किए ही जीत का दावा कर रहे हैं। नहीं, चुनावी समीकरण क्योंकि हम लोग, मैं आज आया हूं, तो आज मैंने अमेठी में भी मीटिंग किया और रायबरेली में मीटिंग किया, क्योंकि अभी हमारे कैंडिडेचर को लेके कि रायबरेली से कौन लड़ेगा वहाँ से लड़ेगा अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। जन भावना है कि गांधी परिवार का लड़े और मेरी भी यही भावना है कि गांधी परिवार से यहाँ लड़े। ये इलेक्शन हमको बहुत ही आसान पड़ेगा अगर गांधी परिवार आ जाता है तो। मतलब अपने ही गढ़ में कांग्रेस पसोपेशन से गुजर रही है। कांग्रेस की पारंपरिक सीट अमेठी में एक बार फिर बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कौन होगा ये अभी तय नहीं है। वहीं सूत्रों से खबर है कि सोनिया ने राहुल और प्रियंका दोनों से ही इस मुद्दे पर बात की है और शायद आज शाम तक तस्वीर दोनों सीटों पर साफ हो जाए। 2019 में मिली जीत के बाद स्मृति ईरानी के हौसले इस बार भी आसमान पकड़ रहे हैं, लेकिन अब सवाल बीजेपी के लिए रायबरेली का बचा है क्योंकि रायबरेली पर बीजेपी ने भी अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। शायद बीजेपी इस इंतजार में है कि कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है, लेकिन बीजेपी दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस ने क्यों नहीं घोषित किया अमेठी रायबरेली? उनकी तो बपौती थी, वो उनका वहाँ नारा गड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ प्रत्याशी घोषित करने से क्यों डर रहे हैं, इसका जवाब उन्हीं को देना। 2024 लोकसभा चुनाव में दोनों ही पुश्तैनी सीटें कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन चुकी है, जो ना निगलते बन रही है ना उगलते। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस क्या दांव चलती है या फिर नए योद्धा चुनावी मैदान में बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। बता दें कि दोनों सीटों पर पांचवें चरण में यानी कि 20 मई को मतदान होना है और कल नामांकन की आखिरी तारीख है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।